हाँ भाई जी अच्छा जी, क्योंकि गर्मियाँ हैं और बाल बहुत जल्दी खराब होते हैं पसीने की वजह से भी, या आप हेयर स्टाइलिंग करते हैं जैसे हमारे जैसे लोग, या हम जैसे नहीं भी, जैसे मैं आपके पहले शो में भी एक दफा बात करी थी कि जो स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग लड़की है वो भी पहले सुबह बालों में आयरन वायरन करके अपने बाल हेयर स्टाइल बना के जाती है। अब तो ये हो गया भाई, अब हमें तो तेल लगा के हो गया, हम तो नहीं कर सकते। बाल जो है ना वो दो मुहे हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स जो होते हैं और हमेशा होते हैं, मेरे तो बहुत ज्यादा होते हैं, गर्मियों में बहुत ज्यादा भी मुझे लगता है, ज्यादा ही हो जाते हैं जितने मर्जी बाल, फिर एक महीने के बाद स्प्लिट एंड्स होते ही होते हैं। तो उसका एक बड़ा अच्छा देसी नुस्खा है जो करना चाहिए हफ्ते में दो तीन दफा, एक प्याज का या छोटी सी प्याज का आप ले ले पानी, अर्क ले, ठीक है, इसका पानी निकाल लें इतने से प्याज का, ठीक है, उसके साथ आपने ऑलिव ऑयल ले लिया, ठीक है, और साथ में आपने कोकोनट ऑयल ले लिया, आपने इसको मिक्स कर लिया बराबर बराबर का बना के, ऑलिव ऑयल भी और ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद आप अपने बालों में अच्छी तरीके से और एंड्स पे तो अच्छे तरीके से लगाएं, लगा के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ना है, उसके बाद आप शैम्पू कर लें, जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं ये हफ्ते में दो तीन दफा करें। स्प्लिट एंड जो आपको हर महीने के बाद काटने पड़ते हैं ना, वो कम से कम भी आपको चार पांच महीने बाद शायद एक्सटेंड कर देगा, ये नहीं है कि वो बिल्कुल खत्म कर देगा लेकिन आपको एक्सटेंड कर देगा, बहुत बुरा हाल नहीं करेगा बालों का। तो ये वाला नुस्खा जो है ना ये बेस्ट, मतलब इतनी आसानी से स्प्लिट नहीं होगा बाल, इतनी आसानी से स्प्लिट, इतने आराम से नहीं होगा, शायद उसको इतना मॉइस्चराइज कर देता होगा, प्याज की प्याज में सल्फर कर देता है, ऐसी बड़ा अच्छा बालों के लिए, बाल बेहतरीन है प्याज। और पता है एक और चीज जो हम लोग घर में, क्योंकि वो ग्रीन टी की बात हो रही थी, हर घर में ग्रीन टी यूज होती है, तो मैंने कहा छोटा सा मैं ये वाला भी नुस्खा साथ बता दूं कि हर घर में ग्रीन टी यूज होती है, जो ग्रीन टी जो बाकी उसका बच जाता है ना टी बैग फ्रीजर में रख दें, दो टी बैग आप रखें फ्रीजर में 15-20 मिनट के लिए, जिनकी आंखें सूजती हैं विदाउट एनी रीजन या विद रीजन, कोई एलर्जी की वजह से, ज्यादा सोने की वजह से, कम सोने की वजह से, वो आप 10 मिनट के लिए अपनी आंखों में वो वाले टी बैग्स रखें। अच्छा ग्रीन टी आल्सो वर्क्स, यूजुअली हमने नॉर्मल टी क्या सुना है, नॉर्मल टी का मैंने सुना है ये तो यूज वाले, नॉर्मल टी का जो है वो बेसिकली हल्कों के लिए अच्छा होता है, कि डार्क सर्कल के लिए जो कैफीन होती है इससे ना पफिनेस हो जाती है, पफिनेस तो ऐसे तो 15 मिनट में आपसे बिल्कुल नॉर्मल, कॉफी में भी तो कैफीन होती है ना, कॉफी का भी तो आप पानी लगा सकते हैं, अब तो कैफीन के सीरम्स आते हैं ना वो डार्क सर्कल्स के लिए और आई पफिनेस के लिए, कि वो चलो जल्दी से मैं एक बता दूं, ये जो हेयर के लिए बड़ा मजे का एक है, मैं खुद जल्दी बताऊं, बहुत मजे की एक चीज है, तो ये मुझे मजा आता है। अच्छा आपने लिया अंडा, आपने लिया दही, आपने लिया क्या कहते हैं ये कंडीशनर, आपने लिया ये चावल पिसे हुए, ठीक है, आपने लिया एलोवेरा जेल, आपने ली वेजलिन, आपने लिया ये शहद, इन सबको आपने, और एक मिनट रुकिएगा, ये लगता ठीक है, तो आपने इन सबको मिक्स किया, जैसे एक अंडा ले लिया, दही ले लिया एक चम्मच, आपने पिसा हुआ चावल जो है उसको मिक्स कर लिया, आपने शहद एक चम्मच ले लिया, वेजलिन ले लिया, कंडीशनर ले लिया, ठीक है, ये शैम्पू हल्का सा डाला आपने पूरे बालों में, ये आपने महीने में दो दफ़ा यूज़ कर लें, ठीक है, जो बाल आपके डेड हुए हुए होते हैं समझे अभी प्रोटीन है आपके बालों के लिए, इतनी ज़बरदस्त आपके बालों की ग्रोथ को भी ये सपोर्ट करता है, आपके बाल भी बहुत शाइनी होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं ज़रा वेजलिन से हटती नहीं हूँ, तो आप भी कहेंगे सादे की हर चीज़ में वेजलिन घुस जाती है, लेकिन ये दो वेजलिन फैंस बैठे हुए जिन्होंने वेजलिन यूज़ किया है ना उनको पता है कि बाल, मैं तो सर ही नहीं धोती तेल और वेजलिन के अलावा, तो ये प्लीज़ आप लोग करके देखिएगा, स्किन के लिए प्लीज ये ट्रिक बताओ, शैम्पू निकलती कैसे, आपने वेजलिन कभी भी स्कैल्प पे नहीं लगानी, मैं हर बार सिखा के जाती हूँ कि आपने जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं अपने घर में, जो आपको सूट करता है तेल सर के लिए, वो आपने सर में लगाया, उसके बाद ये जो लेंथ है ना आपकी, इसमें आपने भर भर के वेजलिन ऐसे ऐसे करके लगाई, उस एक शैम्पू में निकलती मेरी अभी धुले में बाल, एक शैम्पू में मेरे तो निकल आती है, मुझे समझ नहीं आती ऑयल निकल सकता था, वेजलिन क्यों नहीं निकल रही, मुझे लगता है ज़्यादा चिपकती है, चले आपके दो शैम्पू में निकल जाएगी कुछ कैस्टर ऑयल, लेकिन
आप यकीन माने कि इतने खूबसूरत बाल हो जाते हैं, इतने शाइनी बाल हो जाते हैं, और जो आपकी डेडनेस हमारे यहाँ मुसलसल कलर कर करके हुई है वो सब खत्म होती है वैसलीन से। प्लीज़ ये करके देखें, खासतौर पर जैसे जिन लोगों ने स्ट्रीकिंग बहुत करवाई हो, बाल ब्लो ड्राई जिनके बहुत ज़्यादा होते हो, तो वो उनके लिए तुम्हारे ऊपर इशारा है, तुम बहुत कैसे ख्याल करती हो, कलर करती है ना। अच्छा, अब इसी तरह मैं बताने वाली हूँ, ये भी इन सारी चीज़ों से हट के ना, जो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ वो मैं ये करती हूँ कि आपके हर किसी के घर में एलोवेरा का पौधा तो होता ही होता है। सर्दियाँ हो गर्मियों हो, मेरी स्किन ड्राई होती है। मैं ब्रेक में भी आपसे इनसे बात कर रही थी कि मेरा टीजोन एरिया तो ऑयली है, मेरी बाकी सारी स्किन ड्राई है, उसी तरह मेरे बाल भी बहुत ड्राई होते हैं। आपने सिर्फ पौधे से एलोवेरा काटना है, इतना सा आप काटें, उसका छिलका उतारें, उसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पहले उसको ग्राइंडर में डाल रहे हैं, वो जो लंबी लंबी तरीके होते हैं, आप छुरी से ही उसको खुरचे, उसका जेल निकलता आता है, जेल निकाल के वही जेल आप जड़ों से लेके एंड तक अपने बालों में लगाएं और वही अपने पूरे मुंह पे लगाएं। आधे घंटे के बाद मुंह धो लें, नहा लें, सर धो लें, इतने कोई मज़ेदार नरम शाइनी बाल और स्किन चम चम करती है अगले 2-3 दिन, जैसे आपने कोई वो लगाया हुआ है हाईलाइटर। और बच्चा तो खा भी लें, एलोवेरा काट के घर से ले जाती हूँ, ऑयल जो मेरे घर में मेरी अम्मी बनाती है वो मुझे वहीं पे बना के ऑयल के अंदर एलोवेरा मिक्स करके मेरे बालों में भी लगा देती है। फिर मैं कहती हूँ जो बाकी बच गए मेरे मुंह पे भी लगा, कोई भी आप हेयर मास्क बना रहे हैं उसमें एलोवेरा डाल बेसिक जमाना हो गया सलोन गए में। बस मैं भी जाऊंगी आज नहीं मैं बताती हूँ, नेक्स्ट शो आप सैलून पे रखें जी बिल्कुल, उसके बाद फिर हम सबको बुलाएं, हम सब पेडिक्योर करा रहे होंगे, मैंने भी किया के साथ, कोई पेडिक्योर नहीं कराता यार, मतलब उस पे ट्रोल हुए थे कि हम पेडिक्योर करवा रहे थे, तो उसमें क्या इशू था पता नहीं, नहीं अब तुम रखोगी फेशियल सब विदाउट मेकअप आएंगे सैलून में, नहीं मैं नहीं आऊंगी नहीं हम तो होस्ट ही नहीं आएंगे, नहीं हम क्यों आए भी थे यार, हमने फेशियल कराई थी पेडिक्योर, लेकिन यार फेशियल कराते हुए बात नहीं कर सकते, आए हुए ना मैं नहीं क्यों, पेडिक्योर कराते हुए आप बात तो कर सकते हैं लेकिन फेशियल कराते हुए आप कैसे बात करें, मैं वो गूंगा शो चलेगा शाहरुख की ग्रे हेयर का बताएं, ग्रे हेयर का क्या है आपका, नहीं ग्रे हेयर का मैं बाद में बताऊंगी, पहले अभी हम ये करेंगे हम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जानना चाहेंगी, नहीं तुमने बताए बाल लंबे करने, देखो ऐसे कह रही हूँ कि मैं अपन जो अलग से रेसिपी बहुत लंबी है जो मैं तेल बना कर रखती हूँ, मैं पहले एक्सटेंशन सीक्रेट है, हाँ वो नहीं क्योंकि मेरे बाल इतने छोटे थे मैं एक्सटेंशन लगाती थी, अगर देखा जाए तो बताओ ना पिछले कुछ हार में बताते हैं कब से मांगा मेरे बाल पहले बहुत छोटे थे यार, फिर मैंने तो तेल बनाया मैं उसको मतलब सेल करती हूं, तो वो एक रेसिपी बहुत लंबी चौड़ी बट उसमें बहुत चीज है, अच्छा उसमें बालझर अनियंस अंडा मेथी दाना, और लिटरली वो मैं हफ्ते में 2 दिन तेल जरूर लगाती हूँ जबकि मैं टोंग भी करती हूँ, तो वो इट्स एन अमेजिंग ऑयल बट उसकी बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है वो मैं नहीं बता रही अभी, बट प्रोटीन बालों की ग़िज़ा है, पर्सनल रेसिपी नहीं शेयर करना चाहते हैं कि बाल लंबे कैसे होते हैं, हां ना तो इसका बिजनेस है, बेरी ऑयल का मैं भी बताऊंगी, हाँ मैं तुम्हें यूं दे दूंगी तुम ट्राई कर लो, इससे अभी तक मुझे नहीं दिया, कह के नहीं दिया, मुझे यहाँ ही नहीं याद रहता ना, तुम लोग मुझे बता दो आगे, नहीं कोई बात नहीं आज ही शाम में, 3 मिनट रह गए बहन बता भी दो, किस चीज में 3 मिनट अच्छा खत्म होने में, ओके ओके फाइन फाइन फाइन, सबसे अच्छा जो है ना ये जो एलोवेरा से कोई ले आगे बढ़ाती हूँ, अगर बाल लंबे करना है एलोवेरा का पीस लें, उसको बीच में से आप हाफ काटें, ये मेथी दाना सही। ये मेथी दाने आप उसमें स्प्रिंकल करते हैं डाल दें, उसके बाद उसको धागे से लपेट दें, लपेटने के बाद उसको 2-3 दिन आप ऐसी रख दीजिए बाहर, 3rd दिन या 2 दिन के बाद उसमें से स्प्राउट्स उसमें से वो निकल आते हैं, बिल्कुल निकल सारे बीन्स ये पूरे उसके आ जाते हैं स्प्राउट की तरह, वो फिर आप उसको ऊपर से ले लें, स्प्राउट्स भी ले लें, एलोवेरा भी जितना है
उसको फिर आपका कोई भी अगर तेल है तारा मीरा ऑयल के अंदर तासीर बालों को लंबा करती है, जलन भी जला देता है, बहुत अच्छा एक दफा लगा लिया, हल्की सी इचिंग होती है शुरू में लेकिन उसके अंदर तासीर है कि वो लंबे करती है। तो तारा मीरा को आपको अगर इचिंग होती है आप मिक्स कर लो सरसों का तेल, मतलब के कड़वा तेल, मस्टर्ड ऑयल। तो तारा मीरा, मस्टर्ड ऑयल एंड सिंपल ये जो बीज है ना, ये जो एलोवेरा के साथ जो आपने पीस के आप डाल दो उसके अंदर, डाल के छोड़ दो तेल, उसको उस तेल को जो है अब ब्लू बॉटल में रख के आप धूप में रख दें 2-3 दिन, उसके बाद आप ये तेल इस्तेमाल कर लें। सिंपल, क्योंकि बेहतरीन मेथी दाना आपके बालों को बढ़ाता है। अच्छा कर रहे हो तुम लोग बार बार जो ये डिशे उठा रहे हो ना, क्योंकि कोई और ऑयल का ऐड ना बना दे। हाँ, जो कि इतने से करते रहो, पहले बन चुकी है ये उठाते रहो चीजें। मैं तो हर बार आगे क्लियर करती हूँ, जो शो की मेरी मैं जो तेल बना के बेचती हूँ उसमें बहुत सारी चीजें, बट ये भी बहुत अच्छा है, बेहतरीन है।